तो है यार, लिखा तो होगा ना आगरा दरवाजा। सो ये है इनसाइड का व्यू, इसे कहते हैं दीवाने खास। अकबर के टाइम पहले यहाँ पर गुलाब जल भरते थे जिसकी खुशबू पूरे महल के अंदर होती थी। अच्छा, इसके अंदर? हाँ जी, और बीच में जो तानसेन का। सो ये है बुलंद दरवाजा का एग्जिट, जस्ट इधर से जो एशिया महादेव का सबसे बड़ा दरवाजा है। और इसके बारे में तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 176 फुट की हाइट है, 154 मीटर। ये आम जनता के आने जाने के सामने। हाँ भाई साहब, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, चलते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करने। चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिलहाल ऊपर चलते हैं जल्दी से, काफ़ी लेट हो चुका है। आज सरप्राइजिंग कोहरा नहीं है, सो सिटी बिल्कुल साफ दिख रही है। और यहाँ से ताजमहल दिखता था, लेकिन सीधे साइड ही है यहाँ साइड, इन उधर साइड थोड़ा सा कोहरा है, कोहरा है लेकिन कम है। फिलहाल चलते जल्दी से खाना खा लेते हैं, अपनी गाड़ी वो रही वो रही, जूम करें ये रही। आगरा दरवाजा, आगरा गेट। अच्छा, आगरा गेट तो किसी ने नहीं देखा मेरे को। अब इधर सीधे ये क्या है? इधर कुछ तो है, महल कॉम्प्लेक्स है, इधर कुछ जगह होगी, हम लोग नहीं जा सकते। सो हम लोग आ गए, जिसे कहते हैं दीवानी आम, यानी कि पब्लिक मीटिंग हॉल। आम दरबार यहाँ लगता था, यहाँ पर जो बड़ा गार्डन एरिया है, पब्लिक यहाँ पर बैठा करती थी। अकबर वहाँ बैठते थे, जो ऊपर वाला जगह है ना सामने, ये मुझे दीजिए आप, ये चेक करा रहे हैं। अकबर वहाँ पर बैठते थे, पब्लिक के लिए फैसला सुनाती थी यहाँ पर, इसीलिए जगह को बोलते हैं दीवानी आम, जो पब्लिक के लिए बनाया बिल्डिंग के बाहर। अच्छा, तो आम लोगों के लिए दरबार बाहर लगता था और अंदर बनाया दीवाने खास, यानी खास बातों के लिए। पूरा फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर ने बनाया था, ये 1586 में बनकर कंप्लीट, तो 12 साल लगा पूरा बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये है इनसाइड का व्यू। इसे कहते हैं दीवाने खास, यानी कि सीक्रेट मीटिंग हॉल। बादशाह अकबर के टाइम यहाँ पर खास बातें डिसाइड होती थी। बिल्डिंग के अंदर अकबर बैठते थे, वहाँ पर उनके खास मिनिस्टर्स भी बैठा करते थे। अकबर के 9 मंत्री होते थे, जिसे बोलते हैं नवरत्न। नवरत्न, तो ये अंदर से आप देखिएगा, बाहर से देखो डबल स्टोरी है, 1-2, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक ही छत बना हुआ है। अच्छा अच्छा, वो तो तुम खुद ही हो। एक मिनट, दो मिनट, छत बना हुआ है, अंदर एक ही स्टोरी है, बीच में एक चैम्बर है। अकबर यहाँ पर बैठते थे और उनके मिनिस्टर्स वहाँ पर ऊपर खड़े होते थे, तब अकबर यहाँ पर खास बातें डिसाइड करते थे, इसीलिए जगह का नाम दीवाने खास बोलते हैं। ऊपर जाने का ये रास्ता है, अंदर अच्छा है, लेकिन बंद कर दिया है सरकार। चार साइड में यह बड़े दरवाजे हैं, बादशाह अकबर के टाइम पहले ये देखेंगे से खेलता कहाँ पे था, खेलता था यहाँ पे हाँ।
डिजाइन है ना। अच्छा अच्छा, नीचे फ्लावर पॉट बना है, चारों साइड में है, अकबर बीच में वहाँ टेबल पे बैठते थे उस जमाने में ये गेम खेलने के लिए। और ऊपर सामने ऊंचा वाला बिल्डिंग जिसे बोलते हैं पंचमहल, पंचमहल क्योंकि वो पांच मंजिला से पूरा शहर नजर आता था फतेहपुर सीकरी का। पांच मंजिला महल बनाने के लिए दीवार का सपोर्ट नहीं है, टोटल पिलर बनाए हैं वहाँ पर। मैडम जी 176 पिलर है वहाँ, टोटल पांच मंजिला महल को बनाया है। लेकिन ऊपर जाने के रास्ते सभी सरकार ने बंद कर दिए हैं, इसीलिए किसी भी बिल्डिंग पर आप लोग अलाउड नहीं है ऊपर जाने के लिए। अच्छा अच्छा। अकबर के टाइम पहले यहाँ पर गुलाब जल भरते थे जिसकी खुशबू पूरे महल के अंदर होती थी। अच्छा, इसके अंदर। हाँ जी। और बीच में जो तानसेन का सीट है वो प्लेटफॉर्म जो बना है, अकबर का ग्रेट सिंगर तानसेन वहाँ पर बैठते थे और उनके बीच यहाँ पर बैठकर संगीत होता था। तानसेन और बेजिक वहाँ पर अकबर सामने जो पिलर वाला जगह ना बीच में। अच्छा। वहाँ पर उधर में अकबर बैठकर फिर उनका संगीत सुना करते थे। ऊपर लास्ट में टॉप पे बना है, है? किधर बैठते थे? अरे वो सामने पिलर वाला जगह नहीं दिख रहा? अच्छा, बीच में जो एक तो नीचे का हो गया और इसके बीच में जो है तीन है, तीन के बीच में, और ऊपर वाला अकबर का बेडरूम है। अच्छा, वहाँ जाने के रास्ते हैं कॉर्नर में जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। अच्छा, ऊपर सोते थे? कब बंद कर दिया? हाँ, बेडरूम में 25 साल हो गया इनको तो। तान ये सब जगह ऊपर जाने के रास्तों को बंद करके रखा हुआ है ये वाला बस। और सामने वाला जो रूम है वो अकबर की मुस्लिम रानी का है। अच्छा। अकबर की मुस्लिम रानी यहाँ पर रहती थी जिसका नाम था रुकैया बेगम। और अकबर जब यहाँ पर बनाने के बाद सिर्फ 4 साल रुके थे और उसके बाद में अकबर फिर ये जगह छोड़कर चले गए, आगरा शिफ्ट हो गए, जो आगरा का रेड फोर्ट है। आगरा का फोर्ट फिर वहाँ पर उन्होंने बनाया। सलीम और जहांगीर वो एक ही है, सलीम उसका पहला नाम है, जहांगीर उसके बाद में बना। कौन सा छोड़े थे? ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है? अकबर द ग्रेट बोलते हैं ना मुगल हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अंदर बना रखा पानी पीने का, महान सम्राट अकबर के लिए होता था ये पूरा। अच्छा, और यहाँ आ जाइए, देखिए दूसरा पार्ट आप। का रहने का है जिसका नाम मरियम था। अच्छा, मुस्लिम वाइफ का आपने उधर देखा मरियम हाउस, और इसी बिल्डिंग का दूसरा नाम है गोल्डन पैलेस, जैसे सुनहरा महल बोलते हैं, क्योंकि बादशाह अकबर के टाइम पहले हॉल से जो चिमनी सिस्टम है धुआं निकलने के लिए। अच्छा, और अच्छा। दीवार पर कुछ इयररिंग्स बने हुए हैं जिसे झुमका बोलते हैं मैम, ये सब अच्छा। राजस्थानी स्टाइल है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो राजस्थान से थी ना, जयपुर से, राजा मान सिंह की फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए अलग अलग डिजाइन के झुमके यहाँ पर उनके लिए बनाए गए। और सबसे बड़े महल के अंदर अभी आप लोग चल रहे हैं जो सामने बना हुआ है, जिसे कहते हैं जोधाबाई का हवेली, बड़ा महल है फतेहपुर सीकरी के अंदर। अच्छा, बाहर से इसका जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं टोटल। अच्छा, भट्टो वेटिंग से बोलते हैं घरों का, ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड रूम है उस जमाने। अच्छा, महल के अंदर उनका मंदिर होता था जहाँ पर वो पूजा करती थी। अकबर की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई उनकी खास वाइफ थी, उनकी लक्की वाइफ, क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर जिसका पहला नाम सलीम है, प्यार में शेकू बाबा, बाद में जहांगीर पड़ा, वो जोधाबाई से ही पैदा हुआ फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती बाबा के आशीर्वाद से। उसी खुशी में अकबर ने सबसे बड़ा महल जोधाबाई को बना के दिया। सामने वाला प्लेस उसका मंदिर है जहाँ वो पूजा करती थी हिंदू गॉड कृष्ण भगवान जी का। अच्छा, आंगन में तुलसी होता था उसके लिए। और ऊपर जो बिल्डिंग है ना डबल स्टोरी का, ये गर्मियों में जोधाबाई यहाँ रहती थी और सर्दियों में उस तरफ। दोनों महल ऐसे बने हैं गर्मी सर्दियों के लिए, आने जाने के रास्ते सामने है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अच्छा। अभी आप लोग मंदिर और एक बार राउंड लगा कर आ जाइएगा, फिर उसके बाद आप बुलंद। सो ये है बुलंद दरवाज़ा का एग्जिट, जस्ट इधर से जो एग्जिट है, एंड अभी चलते हैं हम लोग आगे इसके। सो FPS 60 में बन रहा है, बताइएगा सब लोग कैसे लग रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को खाने की चीज़ें, शूज़ रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। हाँ, कोविड से पहले था, कोविड से पहले तो पार्किंग भी वहीं नीचे थी, तो हम लोगों ने वहाँ नहीं यहीं लगाई थी पार्किंग, पहले पेट्रोल और उसका वो मना नहीं था ना। तो ये है बुलंद दरवाजा का सीन, बाहर का काफ़ी व्यू अच्छा है। अच्छा अच्छा, टीवी सिस्टम भी भाई साहब। हाँ, ये लगा कुछ जान बजान का है। अभी अंधेरे में ही आता साला। एशिया महादेव का सबसे बड़ा दरवाजा।
क्योंकि ये बादशाह अकबर ने बनाई है, आगरा जो बसाया वो शाहजहां ने बनाया है, वे शाहजहां जी के दादाजी के टाइम का है। और जी हाँ, आज भी हमारे गांव में लोग जीवित हैं, वे लोग यहाँ पत्थर की कारीगरी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नक्काशी, जो यहाँ की काफी प्रसिद्ध एक आर्ट एक कला है, मगर संगमरमर में नहीं, इस लाल पत्थर में, क्योंकि ये पत्थर यहाँ का लोकल पत्थर है, ये बहुत महंगा और दूर से आता है। ठीक है, अच्छा अभी हम चिश्ती बाबा जी की दरगाह चलेंगे, अभी हम थोड़ा, ये वही प्रसिद्ध दरगाह है जहाँ लोग मन्नतों के धागा बांधते हैं, और इन्हीं के ही आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला महारानी जोधाबाई से सलीम, और वो सामने जमा मस्जिद है, अभी भी 5 टाइम का नमाज होता है। ये अच्छा अभी भी होती है नमाज। जी हाँ, ये है बुलंद दरवाजा जिससे हम अब लोग थे, जो आम जनता के आने और जाने के लिए, आने के जाने के लिए, इसकी 176 फुट की हाइट है। जहाँ से अभी हम लोग आए हैं उसको बोलते हैं बादशाही दरवाजा, सम्राट अकबर के आने जाने के लिए। ये सारे बाबा सलीम चिश्ती जी के परिवार वालों, परिवार वाले बाहर में जेंट्स से अंदर। और जैसे कि भैया ने आपको बताया होगा कि सम्राट अकबर को कोई संतान नहीं, संतान नहीं दिया, तो उसके खातिर बादशाह अकबर हिंदुस्तान में हर जगह गए, हर जगह मना हो गया। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाह दी राजस्थान अजमेर शरीफ जाने के लिए, वहाँ एक बहुत बड़े पीर बाबा की दरगाह है ना, उनका नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, अगर वे आपके लिए आशीर्वाद देते हैं शायद कुछ चांसेस से आपको बेटा मिलेगा, तो बेटे के खातिर बादशाह अकबर दिल्ली से अजमेर गए, वहाँ उनको सपना होता है यहाँ आने के लिए। तो ये वही प्रसिद्ध जगह है जहाँ बादशाह अकबर अजमेर से नंगे पाँव चढ़ कर आए। अच्छा, और उस समय यहाँ सारा ही जंगल था, कुछ नेता भी वहाँ जो संगमरमर की दरगाह ना बाबा जी की, वहाँ एक छोटी झोपड़ी थी या उनका आश्रम हुआ करता था, उसके अंदर एक बहुत बड़े संत महात्मा फकीर रहा करते थे। अच्छा, अंदर थी जी। अच्छा, उनका नाम सलीम चिश्ती, जो अपनी दैविक शक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो बादशाह अकबर उनके पास गए, वहाँ उन्होंने कपड़ा डाला जिसको लोग बोलते हैं चादर, आपको तो याद होगी, यहाँ लोग दरगाह पर डालते हैं परिवार की सलामती के लिए, वो प्रसिद्ध जगह ये वाली है। तो बादशाह अकबर ने चादर डाला, उस पर फूल डाले, रोने लगे, वही सलीम चिश्ती ने बादशाह अकबर के लिए आशीर्वाद दिया, और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला महारानी जोधाबाई से सलीम। ये सब कुछ बादशाह अकबर ने बेटे की खुशी में बनाई, और आज भी दुनिया के कोने से हर धर्म के लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, जिनके कोई समस्या होती है, कोई मन्नत होती है, वहाँ आज भी लोग मन्नतों के लिए धागा बांधते हैं। वहाँ एक बंदा 3 मन्नत कर सकता है, चाहे वो अपने लिए करे या अपने परिवार के लिए, मगर उसको गुप्त रखते हैं, किसी को भी बोलते हैं, पूरा होने के बाद किसी को भी बता सकते हैं। अंदर जाने से पहले लोग अपना हाथ धोते हैं, क्योंकि हम जूते चप्पल को हाथ लगाते हैं, बाबा की दुआ आशीर्वाद लेते हैं, ये चिश्ती साहब का सम्मान होता है, सीधे पाँव से अंदर जाते हैं। कल वहाँ एक कपड़े की आया है, यहाँ पर दरवाजा है 176 फुट की आएगा, जो आगे जाने जाते हैं नहीं भैया, अंदर ही नहीं जा रहे। हाँ, साफ सफाई तो होती रहती है, मगर इसमें एक्चुअली में काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं ना, तो काफ़ी लोगों के काम फुसल गए थे, नीचे गिर गए थे, तो काफ़ी तो एक्सपायर भी हो गए थे। और इसके बारे में तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 176 फुट की हाइट है, 154 मीटर, ये आम जनता के आने जाने के सामने। हाँ, इसमें अभी भी खिलाया जाता खाना है? नहीं, अभी तो खैर बंद है, बट कोई लोग आते हैं और अच्छा। बोलते हैं लोग आए थे यहाँ बैठते खाते। अच्छा, देखो ठीक है भाई, व्यू फ्रॉम बुलंद दरवाजा, भाई साहब मज़ेदार है। इसकी वो बना ली की रील। तो अभी ये एग्जिट हो गया अपना, हम निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से जूते लेते हैं, इधर से वो अच्छा है, वैसे बाहर से भी इसका, एंड इधर टूटे हुए मरम्मत होती रहती है। भाई साहब व्यू देखो, ये आउटर से व्यू है इसका। सो ये है सामने से व्यू, ये है बाहर से व्यू इसका बुलंद दरवाजा का, मस्त सा व्यू है भाई साहब। यहाँ पे कुछ शॉप्स,
शॉप्स हैं जूस। सो यही है पार्किंग, बस इसी में गाड़ी लगती है, आगे गाड़ी नहीं जाती यहाँ से। सो चलते हैं घर। नहीं घर नहीं, लो